हेलो भाई, मेरे पवार। आज हमारे पास है क्रेटा 1.5 MPI पेट्रोल, 115 bhp के साथ 143 nm का टॉर्क जो निकाल के देता है। इंजन थोड़ा ढिल्ला ढिल्ला सा महसूस होता है भाई। पेट्रोल ये नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। एक इसमें 1.4 टर्बो भी आता है क्रेटा में, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है डीजल के बाद। लेकिन जो ये 1.5 MPI पेट्रोल है, ये सबसे बेसिक बहुत सही बिक जाता है, बहुत अच्छी माइलेज के लिए भी जाना जाता है। तो आज इसकी टॉप स्पीड जरा देखने वाले हैं। थोड़ा लेजी सा फील होता है भाई, जो बंदा इसका डीजल वेरिएंट चलाता होगा, जिसने डीजल चला रखा होगा, उसको ये इंजन समझ में बहुत कम आएगा भाई। साइलेंट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये जब पिकअप की बात हो, खींचने की बात हो, जब एकदम भगाने की बात हो, तो उस मामले में थोड़ा सा पिछड़ा सा ये इंजन महसूस होता है। हालांकि इसमें टॉप स्पीड के मामले में 240 तक मार्किंग इस गाड़ी के अंदर दे रखी है, बट आई डोंट थिंक सो ये 200 भी टच करेगी शायद। डीजल होती तो बड़े प्यार से 205 से 210 तक वो चढ़ जाती है, बट इसका क्या स्टेटस रहेगा। तो भाई यहाँ पे करता हूँ अपनी हैंड ब्रेक डाउन, पहला गियर लगाता हूँ, आइडल से उठाऊंगा इसको रेव करते हुए। ये भाई आइडल में अपनी चढ़ती है 5000 तक, व्हील स्पिन करते हैं नहीं करते देखते हैं। भाई मस्त पिल पिल करती जाती है गाड़ी। और ये पहले गियर में आपने देख लिया होगा कितनी गई थी, ये अपना लग गया भाई। अब यहाँ पे तीसरा गियर, थर्ड गियर, फुल पंजा डाउन मेरा। ये भाई और बढ़िया पिकअप दिखा रही है फिलहाल तो यार। ये भाई साहब 6500 RPM तक पहुंच गई है, 7000 पे आके दम तोड़ गई, लेकिन 7000 पे भी भाई कम नहीं है। ये देखो यार गाड़ी में पावर तो फील होती है यार, नो डाउट। अभी तीसरे गियर पे है भाई, ये तीसरे पे 138 भाई, तीसरे गियर देख लो, और फुल पंजा दबा रखा है मैंने तीसरे गियर पे। ये देखो फुल पंजा डाउन है मेरा, ये 137 चढ़ जाती है बस, इससे ऊपर इसकी क्षमता खत्म है। क्योंकि भाई आप RPM देखोगे ऑलरेडी ये रेड लाइन टच कर चुकी है 6500 RPM पे। ये ले चौथा गियर, इतना नहीं तड़ पाते बेचारी में, कैपेसिटी है तो इसको और दे देते हैं भाई। अगर इसको ढंग से रेव करके उठाओ ना स्टार्टिंग से, तो फिर बढ़िया पिकअप दिखाती है ये। नहीं अगर यहाँ पे डीजल होता ना, तो आई नो भाई वो अब तक बहुत ज़्यादा हाई टच कर चुका होता, बट कोई नहीं भाई, पेट्रोल को भी अपना इसका पूरा टाइम देते हैं। ये 7000 RPM टच कर चुकी, डीजल तो 4000-4500 तक जाता है भाई। ये रेड लाइन पे आ गई है, चौथे गियर में 182। ये देखो भाई 180, इससे ऊपर नहीं जाएगी, पंजा दबा रखा है। मुझे ड्राइवर को महसूस होता है ना कि अब इससे आगे इसमें क्षमता नहीं है। ये लो डाल दिया मैंने पाँचवा गियर इसका, ये देख लो पांचवा। अब देखते हैं पांचवे में कितनी जाती है, थोड़ा स्लोप भी है ना रोड पे, तो वो भी इसका हेल्प कर देती है। 182 183, और अभी 5500 RPM पे ही अभी और जाएगी शायद से। जा चल चल क्रेटा, यू कैन डू इट यार, चल ना चल क्रेटा भाई। रोड हमारे यहाँ के बिल्कुल खाली होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं भाई। पांचवे गियर में ये स्टक हो चुकी है 5500 RPM पे, और 184 की स्पीड पे स्टक हो गई है। जैसे कि अपनी 186 पहुंच गई, 187, वो बिकॉज ऑफ द स्लोप जो रोड पे है अपना, उसकी वजह से। भाई ये सब टेस्ट आप बिल्कुल भी ना करें, मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा, केवल इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए वीडियो यहाँ पे शूट करी जा रही है। तो मैंने अभी थोड़ी सी स्लो कर ली थी भाई ये, तो मैं फिर से इसको पांचवे गियर में, मतलब वो ये अरे बहुत धीरे चढ़ती है। आपने एक बार ब्रेकिंग ले ली ना, तो अब देखो दोबारा से भाई 184 जाने में इसको कितनी मेहनत लगेगी। तो मैं चौथे गियर में ही कर लेता हूँ इसको, नहीं इसमें तो भाई ये बहुत समय ले लेगी पांचवे गियर में तो जाने में। चौथे में जाते ही थोड़ा सा इसने पिकअप बढ़ा लिया है अपना, लो 182 पे आके दम छोड़ जाती है। अब लग गया इसका पांचवा गियर, पांचवे में यार ये मतलब स्पीड ही नहीं है पांचवे के गियर में इसके, ये इससे 5500 RPM पे आके स्टक है। छठा गियर लगा दिया है भाई, फाइनल गियर है इसका, आप देख लो आप फाइनल गियर, मेरा पंजा फुल डाउन है, फुल दबा हुआ है भाई पूरा। छठे गियर में भी भाई ये 182 मतलब छठा गियर, पंजा फुल डाउन, आप देख सकते हो एकदम। ये देखो टोल लगा रहा हूँ मैं, लेकिन इससे नीचे इसमें दम ही नहीं है भाई, 181 पे गाड़ी स्टक है यार। मैं क्रेटा इतना कम तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे, मैं स्टिल और देखता हूँ और कितना इसको ले सकता हूँ भाई। आड़े आदन 180 और उल्टा कम ही हो रही है,
भाई जैसे जितने अपनी स्कॉर्पियो एन है ना 180 से ऊपर नहीं चलती, मेरे ख्याल से लोग है, पर भाई ये इतना 240 तक क्यों मार्किंग दे रखी है इसमें, जब इसको 180 तक ही जाना था तो देख लो। मैं ऐसा नहीं कि इसको टाइम नहीं दे रहा भाई, खूब इसके पास तेरा समय है, देख लो आप, और उल्टा कम ही हो रही है। 180 पे भाई, 180 से ऊपर नहीं जा रही, छठा गियर है फुल, देख लो खड़ा हो जाऊं बार बार, लो खड़ा भी हो रहा हूं, बट 180 से ऊपर ये पेट्रोल की क्षमता नहीं है भाई। मैं सभी से हाथ जोड़ी की रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इन सब टेस्ट को दोहराए नहीं, 180 की स्पीड मजाक नहीं है। ये हमारे यहाँ के रोड्स इतने प्यारे हैं कि यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, बिल्कुल भी खाली रहता है, तो आप ये सब आजमाने की कोशिश आप ये बिल्कुल करने की ट्राई ना करें। यहाँ पे मैं ब्रेक ले लेता हूँ क्योंकि मैंने खूब देख लिया है भाई, ये गाड़ी 180 से ऊपर नहीं जाती है। क्रेटा की स्पीड लिमिट टॉप स्पीड जो है वो 184 गई थी, वो भी चौथे गियर में, छठे गियर में, तो इसमें भाई पता नहीं स्पीड ही नहीं दे रखी, ना पांचवे में ना इसके छठे गियर में, पता नहीं क्या रहा है क्या नहीं। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये केवल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो थी कि क्रेटा पेट्रोल आपकी 1.5 नेचुरल स्पीड कितनी टॉप स्पीड तक जाती है, आप ये सब करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि इतने स्पीड पे एक्सीडेंट अगर होता है तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, और ये गाड़ियाँ ज़्यादा इतनी सेफ कुछ खास है नहीं। 3-स्टार रेटेड गाड़ियों में ये सब करना आपके जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। यहाँ पे भाई ये चीज़ लिखी भी हुई है, अगर आपको यकीन ना होता हो तो, ड्राइविंग फास्टर कैन कॉज डिजास्टर, तेज गति जीवन क्षति। ओके, तो स्लो ड्राइव करिए ऑलवेज, बी हैप्पी, आपकी फैमिली आपके घर पे वेट करती है। वीडियो देने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।